हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो यूनिट्स हैं पेंसिल स्लेट्स के वो है 17, उनमें से 11 ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है और 6 अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। अगर मैं पूरे मुल्क का हवाला दे दूं तो टोटल जो पेंसिल्स हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं पूरे कंट्री में, जो एक्सपोर्ट भी होते हैं, उनकी 90% जो लकड़ी है वो यहाँ ही से जाती है, और ये लकड़ी हमारे जो पॉपुलर से निकलती है, और उस 90% में से भी 80% हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से आती है, वो यहाँ से बाहर चली, जहाँ यहाँ थोड़ा हम प्रोसेस करते हैं, और स्लेट्स की बिल्कुल शेप में हम उनको बाहर भेजते हैं, नटराज या उनके जो भी अप्सरा बाकी उनके साथ उनका टाइप है तो वहाँ हम भेजते हैं वो। हम पढ़े लिखे घरों में बैठे थे, कोई रोज़गार का कोई साधन था नहीं। इस फैक्ट्री की वजह से हमारा रोज़गार बन गया, हमारे घर वालों को भी इससे बहुत फ़ायदा हुआ, हमें भी फ़ायदा हुआ कि हम बाल बच्चे वाले हैं, हमारी फैमिली इसी फैक्ट्री के ज़रिए से चल रही है और बहुत अच्छे से ये काम कर रही है। यहाँ फैक्ट्री जो है ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। हमारे यहाँ कम से कम 100 से लेकर 150 तक मज़दूर काम कर रहे हैं, जिनमें कश्मीरियों के साथ साथ बाहर के भी मज़दूर काम कर रहे हैं। हम जो ये माल बनाते हैं बाहर, जो बाहर की रियासतों में पेंसिल बना के काम आता है, साथ ही हम गवर्नमेंट के बेहद मशकूर है जो हमें वक्तन फवक्तन अपना ताउन पेश कर रहे हैं, ख़ासकर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मदद कर रही है। Altyazı M.K.